हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आप लोग की परी लेकर आई हूँ एक न्यू लव स्टोरी। सो आप लोगों को बताया जाए कि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को फुल सपोर्ट करिए और बहुत सारा प्यार करिए। तो चलिए आज हम आपको स्टोरी के थोड़ा सा हिंट मारते हैं, ठीक है। सो आज मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, तो क्यूट कपल की स्टोरी है। ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है असम से। असम एक खूबसूरत जगह जहाँ पे बोला जाए तो प्रकृति की जो है बौछार होती है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एरियाएँ हैं जहाँ पे देखने के लिए भाई दिल गदगद हो जाता है। वहाँ की स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सो स्टोरी ये हमारी स्टार्ट होती है कॉलेज से। कॉलेज जो है गुवाहाटी में, जिसे पूरा नाम होता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज से इस छोटी सी स्टोरी का जो है शुरुआत होती है। ये स्टोरी की फर्स्ट पार्ट में आप सुनोगे कि जो हमारी आरोही रहती है, वो अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मम्मी पापा मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है अपनी कार को लेकर वहाँ से। और जो आरोही रहती है वहाँ से अपने फ्रेंडों को प्रिक करती है, जो कि श्रुति रहती है और एक साधना रहती है। श्रुति साधना हमारी आरोही की बेस्ट फ्रेंड थी। इन तीनों की जोड़ी बहुत मस्ती, मतलब ये तीनों जहाँ भी जाते थे मस्ती का जो है तूफान लाते थे। तो ये तीनों जो है चले जाते हैं कॉलेज की तरफ। श्रुति बोलती है कि यार आज कुछ अलग सा कुछ नहीं लग रहा है आपको? तो जो आरोही रहती है बोलती है, अच्छा वैसे क्या अलग सा फील हो रहा है मैडम आपको? तो जो श्रुति रहती है वो हंसते हुए बोलती है, हाँ थोड़ा सा अलग सा लग तो रहा है, बट क्या है मुझे ही नहीं पता, चलो जो होगा जाकर देखते हैं। ऐसे बोल के तीनों फ्रेंड जो है मस्ती करते हुए कॉलेज की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में तीनों जा रही होती हैं, तभी हमारी आरोही बोलती है, यार वैसे आज पता नहीं पर थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। तो श्रुति बोलती है, अच्छा जी क्या अलग सा फील हो रहा है? वैसे कोई आने वाला है क्या आपके लाइफ में जो इतना अलग सा फील हो रहा है? ऐसे हंसते हुए श्रुति जो है श्रद्धा की ओर देख रही होती है, सॉरी श्रेया की तरफ देख रही होती है। तो श्रेया भी स्माइल करती है और वो भी आरोही की तरफ देख रही होती है। आरोही की थोड़ा अजीब लगता है और इन दोनों के देख के थोड़ा सही जस्ट फील करती है और खुद का माइंड फ्रेश करते हुए बोलती है, कोई आने वाला है बेटा जी, देखते हैं कौन आने वाला है। ऐसे बोल के वो भी स्मेल करती है। तीनों जो हंसते मुस्कुराते अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी इन तीनों दोस्ती फ्रेंड की एक दूसरे की जो ये नोक झोंक एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जो है हमारी आरोही ब्रेक मार देती है। तो जो श्रेया रहती है और श्रुति रहती है वो दोनों जो है आरोही की तरफ देखती है, बोलते पागल लड़की क्या कर रही है, क्या हुआ इतना अचानक से ब्रेक क्यों मारी? क्योंकि जब ब्रेक मारी थी आरोही ने तो पूरी श्रेया जो है सामने की ओर और जो श्रुति रहती है उसका सर जो है गाड़ी से टकराने वाला था, ऐसे उसका पूरा हो गया था। तो ये दोनों जो है आरोही की तरफ देखते हैं और आरोही जो है सामने की तरफ देखने लगती है। सामने देखती है तो एक लड़की सामने खड़ी रहती है जो अपनी आंखें जो है बंद की रहती है, अपनी मुट्ठी जो कि अपने आँखों के सामने लाए रहती है और चुपचाप उस जगह पे बैठ जाती है, रास्तों के बीचों बीच बैठ जाती है जो कि आरोही की कार के सामने जस्ट थी। तो आरोही उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है और श्रुति और जो इधर श्रेया रहती हैं वो दोनों जो है आरोही को घूर घूर के देख रही होती है। तो जो श्रुति रहती है बोलती है, क्या कर रही है पागल? तो श्रुति जो है आरोही की तरफ देखती है तो आरोही की नज़र सामने थी, तो आरोही की नज़र को पीछा करती है तो देखती है कि कोई लड़की सामने जो है बैठी पड़ी है। तो ये तीनों जो है कार से बाहर निकलते हैं और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। चलिए बताइएगा कि स्टोरी को आपका ये एपिसोड कैसा लगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनाएंगे और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइएगा स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। सो ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए और आखिर स्टोरी कल डल जाएगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड वॉचिंग माई चैनल। ओके बाय गाइज़।